नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिपुरा प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम मातृ शक्ति की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान। नवरात्रि का पर्व भारत की सनातन परंपरा में मातृ शक्ति के प्रति आदर के भाव को प्रदर्शित करने का सबसे सशक्त माध्यम। देवी के स्वरूप की जिसकी हम सामान्य रूप में पूजा अर्चना करते हैं, व्यवहारिक रूप में लेंगे तो मातृ शक्ति के साथ बहन बेटियों के सुरक्षा सम्मान व स्वावलंबन से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से अब तक 10 लाख बालिकाएं लंबावित हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक 1,75,000 से अधिक गरीब कन्याओं के विवाह कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित हुए। हमारी सभ्यता संस्कृति एवं संस्कारों के उत्तरायण में मातृ शक्ति का अमूल्य योगदान है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासी की विजयदशमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ये पर्व अधर्म पर धर्म एवं सत्य की जीत का प्रतीक है। सत्य की अधिष्ठात्री देवी के पूजन और अनुष्ठान के रूप में आयोजित करती आ रही है। हजारों वर्षों की इस विरासत पर हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होती है। वर्ष में दो बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है।